नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यात्रिकनामा में। दोस्तों इस वक्त मैं मैसूर में हूँ और मैसूर के चामुंडी हिल्स पर स्थित चामुंडी देवी मंदिर दर्शन करने आया हूँ। तो दोस्तों अपने मैसूर की इस यात्रा में मैं मैसूर के पहले दिन चामुंडी हिल्स पर चामुंडी देवी मंदिर दर्शन करने आया हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है और ये मैसूर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर, जिसको चामुंडी पहाड़ी चामुंडी हिल्स बोलते हैं, उस पर स्थित है। यह चामुंडी हिल्स पर आकर आपको ऐसे लगेगा कि आप मैसूर में नहीं हो, कहीं हिल स्टेशन में आप आ गए हैं। यहाँ आपको थोड़ी ठंडक लगेगी ऊपर। मैसूर में है और हम मैसूर से चामुंडी हिल्स जा रहे हैं। चामुंडी हिल्स लगभग 12 किलोमीटर दूर है मैसूर बस स्टैंड से। तो हम आज अपने मैसूर के पहले दिन चामुंडी हिल्स देखने जा रहे हैं और यहाँ का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों हम चामुंडी हिल रिजर्व फॉरेस्ट से होते हुए चामुंडी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1000 साल से भी अधिक पुराना यह मंदिर मां दुर्गा के चामुंडा रूप को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस चामुंडी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, उसी स्थान पर माता चामुंडा ने महिषासुर का वध किया था। इसके अलावा यह तीर्थ स्थान 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। दोस्तों कर्नाटक का मुख्य त्यौहार दशहरा है और मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है और दशहरा चामुंडेश्वरी मंदिर का भी मुख्य त्यौहार है। चामुंडेश्वरी मंदिर में मनाया जाने वाला दशहरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन माता चामुंडेश्वरी की झांकी निकाली जाती है। दोस्तों चामुंडी पहाड़ी पर स्थित चामुंडी मंदिर पहुंचने के लिए आप अपनी बाइक कार से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं यहां कैसे पहुंचे। यहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मैसूर आना होगा, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मैसूर से आप रेंटल बाइक कैब बुक करके यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं।